हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? गर्दा तोड़ा ही रहोगे। और आज गर्दा उड़ाने के लिए हमारे पास एक नया फ़ोन आ चुका है, सैमसंग का गैलेक्सी M32 है। ये M31 का सक्सेसर हो सकता है ये, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इस फ़ोन के लिए कि भाई जैसे M31 सक्सेसफुल हुआ था सैमसंग का, क्या ये फ़ोन मतलब उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और इसका कैमरा उतना ही ज़्यादा गर्दा उड़ाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो का। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग से और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलता है, उसके बाद थोड़ा हम लोग बात बाकी देखेंगे। Hi Nana, this is an exclusive Nana. भाई सबसे पहले फ़ोन ही मिलता है तो फ़ोन को रख देते हैं पहले साइड। 15 वाट का अडॉप्टर मिलता है, मतलब ऐसे 25 वाट सपोर्टेड है। तो भाई ये है हमारा फ़ोन, इसको अनरैप करते हैं पहले, सबसे पहले जो कि मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है। भाई फ़ोन तो भाई पीछे से इसका लुक बहुत ही यूनिक है, मतलब फ़ोटो में जैसा हम देखे थे उससे काफ़ी अलग है ये। डिज़ाइन वाइज अगर देखेंगे तो मतलब काफ़ी अलग है, और इसमें स्क्रीन गार्ड वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है तो आपको स्क्रीन गार्ड वगैरह लेना पड़ेगा। वैसे फ़ोन तो दिखने में काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है, एमोलेड डिस्प्ले है और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 800 निट्स तक का ब्राइटनेस है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह सारा कुछ ये सब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ये सब मिल जाता है, तो उसके लिए भाई बहुत बढ़िया है। फिंगरप्रिंट भी बहुत काफ़ी फास्ट है, मतलब फिंगरप्रिंट भी देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। प्रोसेसर का बात करेंगे तो प्रोसेसर उतना तगड़ा इसमें नहीं मिलेगा आपको, गेमिंग वगैरह के लिए प्रोसेसर नहीं है ये। आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ के लिए अगर आपको यूज़ करना है, फोटोग्राफी वगैरह के लिए यूज़ करना है, मूवीज़ वगैरह देखना है तो आपके लिए, मतलब वो नॉर्मल व्हाट्सअप चलाना है, इंस्टा फेसबुक करना है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। मतलब गेमिंग के लिए हम नहीं रिकमेंड करेंगे इस चीज़ को। लेकिन इसमें One UI 3.1 आता है जो कि सबसे बेस्ट मिलेगा आपको इस रेंज में, सिक्योरिटी के मामले में हो या फिर आपका जो इंटरफेस इसका जो है, OS का जो एक्सपीरियंस होगा वो सबसे बेस्ट इसमें आपको मिलने वाला है। सब कुछ मिल जाता है, नॉक सिक्योरिटी तक मिल जाता है, जिसमें आपका कोई और किसी और को अगर फ़ोन मिलता है आपका तो वो फ़ोन आपका बंद नहीं कर सकता है, आप ट्रैक भी कर सकते हो। ये सब सैमसंग में ही मिलेगा आपको और किसी इस रेंज में किसी और ब्रांड में नहीं मिलेगा ये। इसमें आपको एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपको मिलता है, बैटरी। इसका बैटरी बहुत ही बढ़िया, मतलब बैकअप तो खैर पूछो ही मत, हम 8-9 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम हमको मिल गया अगर मूवीज़ वगैरह देखते रहे तो, और कैमरा वगैरह यूज़ करने के साथ हमको 6-7 घंटे तक आराम से मिल गया था। तो बैटरी बैकअप के मामले में सोचना नहीं है। 15 वाट का चार्जर बॉक्स में देता है और 25 वाट तक ऐसे सपोर्टेड है। हम चार्जर लगा के देखे तो सुपर फास्ट चार्जिंग लिख रहा था, लेकिन 2 घंटा लगभग लग ही गया इसको चार्जने में, 2 से 2.5 घंटे लगभग लग गया था। तो चार्जिंग स्लो होता है लेकिन आपको बैकअप पूरा दे रही है। देखिए ये सब तो खैर होते रहेगा, ये आपको ऐसे भी पता रहता है। अब बात करते हैं भाई कैमरा का, सीधा कुछ और बात नहीं करते हैं, सीधा कैमरा के बारे में बात करते हैं। तो भाई कैमरा इस फ़ोन का बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, हम स्टार्टिंग में ही बोल रहे हैं ये बात। हमको बहुत मज़ा आया इसका कैमरा से शूट करने में, कभी कभी थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज हुआ था किसी किसी सिचुएशंस में, लेकिन भाई इसका ओवरऑल जो आउटपुट था बहुत ही हमको मज़ा आया। मतलब पीछे 4 कैमरा दिया हुआ है, एक आपको 64 मेगापिक्सल का F1.8 अपर्चर वाला मेन कैमरा है जो कि वाइड एंगल हम लोग जिसको बोलेंगे, और ये 1x1.97 इंच का सेंसर है। तो उतना फास्ट मतलब बड़ा नहीं बोलेंगे इसको सेंसर, लेकिन ठीक ठाक है इस रेंज के हिसाब से। 8 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर वाला आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है। इसका सैमसंग का जो एक एडवांटेज है हम वो बता देना चाहते हैं कि इसका अल्ट्रा वाइड जो 123 डिग्री का अल्ट्रा वाइड होता है जो प्रॉपर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल देता है, और सब में आपको काफ़ी कम आपको 108 डिग्री कंपनी बोलता कुछ और है, 108 डिग्री 110 डिग्री तक का देता है, लेकिन ये आपको 123 डिग्री का आपको वाइड अल्ट्रा वाइड देगा। और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2.4 अपर्चर वाला, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सेल्फी का बात करेंगे तो भाई सेल्फी जो है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी है 2.2 अपर्चर का, उसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो बिना किसी देर के भाई स्टार्ट करते हैं, सैंपल देखते हैं। अगर वाइड एंगल का बात करेंगे तो भाई वाइड एंगल डे टाइम में आपको बहुत ही वाव है, मतलब क्वालिटी वाइज कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा इस कैमरा के साथ, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। सैचुरेशन के मामले में हो, कॉन्ट्रास्ट हो या फिर डायनेमिक रेंज हो, हर सिचुएशन में यहाँ पर आप कुछ फ़ोटोज़ है वो आप देख लो, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि कितना अच्छा इसमें क्वालिटी है। डे लाइफ में आपको मेन कैमरा का भाई परफॉर्मेंस क्या ही कहना, आपको हमेशा अच्छा ही फ़ोटोज़ देखने को मिलेगा, कलर वगैरह से लेकर सारा कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। अगर अल्ट्रा वाइड का बात करेंगे तो अल्ट्रा वाइड 123 डिग्री का अल्ट्रा वाइड एंगल देता है और काफ़ी अच्छा क्वालिटी है इसका भी। इसका भी सैमसंग का जो सॉफ्टवेयर है आपको हमेशा इस मामले में आपको एडवांटेज और ब्रांड से आपको दे देगा कि आपको क्वालिटी वाइज इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। कितना भी कुछ भी कैमरा हो, 8 मेगापिक्सल का कैमरा आपका नॉर्ड सी में भी आता है तो लगभग उस रेंज के कैमरा के हिसाब से आपको क्वालिटी मिल रहा है। इसमें हम टेस्ट किए हैं तो हम देखें इसमें ऑब्जर्व करके कि काफ़ी अच्छा क्वालिटी मिल जाता है।
चाहे इसमें भी डायनेमिक रेंज का बात करेंगे या किसी भी चीज़ का बात करेंगे, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन वगैरह किसी किसी फोटोज़ में रहता है, लेकिन भाई ओवरऑल क्वालिटी भाई बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। साथ ही आप इसमें काम चलाओ मैक्रो फोटोज़ भी निकाल सकते हो, मतलब ज़रूरत पड़ा तो दिन के टाइम में, और रात के टाइम में तो इसमें फ़ोटो किसी काम का होगा नहीं मैक्रो में, लेकिन दिन के टाइम में आप अगर प्रॉपर लाइट्स वगैरह है तो फिक्स्ड फोकस मैक्रो है तो आप वो यूज़ कर सकते हो कभी भी, ठीक ठाक फोटोज आपको सोशल मीडिया के लिए मिल जाएगा। जूम का बात करेंगे तो 10x तक का जूम दिया है, लेकिन वो भाई आपको 2x से 3x 5x तक ही मैक्सिमम यूज़फुल रहेगा, उससे ज़्यादा आप इसका किसी मतलब काम का होगा नहीं फ़ोटोज़। पोर्ट्रेट शॉट्स का अगर बात करेंगे तो पोर्ट्रेट शॉट्स भी बहुत ही अच्छा है, हम सोचे नहीं थे कि इतना अच्छा इसका डायनेमिक रेंज होगा, इतना अच्छा एज सिलेक्शन वगैरह होगा इस रेंज के फ़ोन में। थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा था एज डिटेक्शन के लिए के टाइम जब वो सैमसंग में दिखाता है रेडी होने के लिए पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए, तो वो थोड़ा आपको पास जाके शॉट्स लेना पड़ेगा, वो थोड़ा सा कंसर्न है, मे बी इन फ्यूचर अपडेट्स वगैरह में ये ठीक हो जाए, लेकिन जब आपका क्लिक होगा उसके बाद फोटोज़ आपका बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में होगा। और एक एडवांटेज है इसमें कि आप क्लिक करने के बाद भी काफ़ी कुछ इसमें कंट्रोल कर सकते हो, ब्लर वगैरह ये सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हो, तो वो भी आपका बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो वन यूआई का ये वाला फीचर आपको मिल जाता है इसमें, और क्वालिटी भाई क्या ही कहना है, हर सिचुएशन में आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी, मतलब जैसा मेन सेंसर से लिया हुआ फोटोज था वो पोर्ट्रेट मोड में भी आपको वही क्वालिटी लगभग मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा। इस मामले में भी आपको पोर्ट्रेट शॉट्स में इस रेंज में आपको वन ऑफ द बेस्ट आपको ये कैमरा मिल जाएगा। वैसे इसमें प्रो मोड भी दिया हुआ है, लेकिन आप उसमें बस ISO कंट्रोल कर सकते हो, और वो भी सिर्फ 800 तक ही जाता है, उससे ज़्यादा आपको कुछ कंट्रोल मिलेगा नहीं, और रॉ वगैरह फ़ोटोज़ क्लिक करने का कोई सपोर्ट हमको कहीं दिखा नहीं है, तो मे बी इसमें रॉ क्लिक नहीं होता है। अगर लो लाइट फ़ोटोज़ का बात करेंगे तो लो लाइट में भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी लगा हमको, कभी भी कोई इशू नहीं लगा, HDR बहुत अच्छे से काम करता है, और नॉइज़ लेवल काफ़ी कम था इसमें जितना भी फ़ोटोज़ वगैरह हम लिए हैं। ये नॉर्मल वाइड एंगल का फ़ोटोज़ है, मतलब प्राइमरी सेंसर का फ़ोटोज़ है, और बहुत लो लाइट में लिया हुआ है, तो आप इसमें HDR वगैरह का देख सकते हो कि बहुत अच्छा फ़ोटोज़ है ये, किसी में इसमें नाइट मोड नहीं यूज़ किया हुआ है, तो मतलब फ़ोटोज़ इसमें बहुत ही अच्छा आता है नॉर्मल सिचुएशन में। और ऐसा ही नहीं है, अल्ट्रा वाइड में भी फ़ोटोज़ नॉर्मली काफ़ी अच्छा आता है, 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड है वो लो लाइट में भी इतना अच्छा फ़ोटोज़ निकाल के देगा, ये हमको नहीं पता था। इसमें भी किसी में नाइट मोड नहीं यूज़ किया हुआ है, तो आप मतलब देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि HDR वगैरह इसमें भी काम किया है, लेकिन नाइट मोड दोनों कैमरा में दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो हम नोटिस किए हैं कि थोड़ा क्रॉप करता है नाइट मोड में फ़ोटोज़ को, और दूसरा ये कि उसको ब्राइट करने के चक्कर में नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता है, तो इससे बेटर है कि आप नाइट मोड ना यूज़ करके नॉर्मल ही मोड में फ़ोटोज़ लो, नॉइज़ लेवल कम रहेगा, डिटेल्स कम मिलेगा, लेकिन आपको फ़ोटोज़ ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। अगर चैलेंजिंग सिचुएशन में हम लोग डायनेमिक रेंज का बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा था, इसमें फेस को भी प्रायोरिटी मिल रहा है और बैकग्राउंड को भी प्रायोरिटी मिला हुआ है, मतलब आप वहाँ पे थोड़ा सा ओवर एक्सपोज्ड है, लेकिन दोनों ही कैमरा से लगभग आपको अच्छा खासा आउटपुट मिल जाएगा। डायनेमिक रेंज में कहीं भी वैसा मेजर इशू हमको कहीं मिला नहीं। एक फ़ोटोग्राफ़र के लिए किसी एक फ़ोन कैमरा में जितने भी कैमराज अवेलेबल हैं उसमें कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, कि उसका कलर शिफ्टिंग और कैमरा आप जब स्विच कर रहे हो कैमरा अल्ट्रा वाइड से आप वाइड एंगल में, तो उसमें कितना ज़्यादा कलर वगैरह चेंजेस हो रहा है, डायनेमिक रेंज में कितना ज़्यादा चेंजेस वगैरह हो रहा है, तो वो बहुत मैटर करता है। और इस फ़ोन में ये चीज़ एकदम नहीं है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, आप जो अल्ट्रा वाइड से भी लोगे या वाइड एंगल से भी लोगे तो आपको सेम फोटोज़ लगेगा, क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बस थोड़ा लो लाइट में ये प्रॉब्लम करता है कभी कभी, लेकिन ओवरऑल हर सिचुएशन में अच्छा ही काम करता है। अगर सेल्फीज़ का बात करेंगे तो सेल्फी का ये क्वालिटी बहुत अच्छा है, कलर वगैरह इतना अच्छा मिलेगा आपको कि आपको लगेगा नहीं कि ये इतना सस्ता फ़ोन में से लिया हुआ है, डायनेमिक रेंज अच्छा है। एक एडवांटेज इसमें और लगा हमको कि आप इसमें थोड़ा वाइड सेल्फीज़ भी ले सकते हो, जैसे आप ग्रुप वगैरह के साथ आप फ़ोटोज़ लेना चाहते हो तो वो ऑप्शन मिल जाएगा। लो लाइट में नाइट मोड दिया हुआ है लेकिन बिना काम का ही है, आपका नॉर्मली फ़ोटोज़ लो वो ज़्यादा अच्छा है। पोर्ट्रेट मोड का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, एज सिलेक्शन उतना अच्छा नहीं मिलेगा लेकिन ठीक ठाक है, आपको लगभग अच्छा खासा फ़ोटोज़ निकल जाएगा जो कि आप नॉर्मली सोशल मीडिया वगैरह पे यूज़ कर सकते हो। इसमें सैमसंग का माई फिल्टर मोड भी आ जाता है, जो कि आप किसी अपने किसी फ़ोटोज़ वगैरह से आप निकाल के उसका फ़िल्टर डायरेक्ट इसमें शिफ्ट कर सकते हो, और डायरेक्ट उसमें दिया हुआ या आप यूज़ किया हुआ फ़िल्टर डायरेक्ट आप इसमें किसी भी फ़ोटोज़ में आप क्लिक कर सकते हैं उसके थ्रू। अब बात करते हैं थोड़ा वीडियोज़ का, फ़ोटोज़ के लिए तो हम बोलेंगे कि डेफिनेटली ये कैमरा गर्दा उड़ाता है, तो भाई वीडियो में भी क्या है, मतलब कि गर्दा उड़ा पाएगा कि नहीं। वैसे बोला जाए तो
सारे कैमरास में आपको 1080p 30fps का ही सपोर्ट है, कोई 60fps या 4K का सपोर्ट तो नहीं है। और अल्ट्रा वाइड में भी आप 1080p 30fps में शूट कर सकते हो। कैमरा स्विच नहीं कर सकते रिकॉर्ड करने के टाइम, ये थोड़ा सोचने वाली चीज़ें होना चाहिए था, तो ये अच्छा रहता। और ओवरऑल क्वालिटी वगैरह तो ठीक ठाक ही है, नॉर्मल किसी भी सिचुएशन में आप शूट करोगे वीडियो भी तो आपको अच्छा खासा वीडियोस वगैरह निकल जाएगा। स्टेबलाइजेशन तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा स्टेबलाइजेशन नहीं बोलेंगे ना ही बहुत बुरा बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो सोचने वाला चीज़ था वो हाईलाइट से शेडो में आप जब कैमरा स्विच करते हो तो थोड़ा सा वहाँ पे एक्सपोजर शिफ्ट होने का प्रॉब्लम दिखता है डायनेमिक रेंज की वजह से। तो बहुत अच्छा डायनेमिक रेंज इसमें नहीं है, लेकिन डायनेमिक रेंज उतना ही बुरा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, मतलब ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे और बहुत बुरा यहाँ भी नहीं बोलेंगे। और अल्ट्रा वाइड में भी लिया हुआ वीडियोज़ का क्वालिटी मतलब काफ़ी अच्छा है, प्राइस के हिसाब से हम अच्छा ही बोलेंगे क्वालिटी, ओवरऑल मतलब वीडियो में भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी मिल जाता है। इसके साथ साथ इसमें हाइपरलैप्स वगैरह भी दिया हुआ है, तो हाइपरलैप्स भी शूट कर सकते हो। नाइट हाइपरलैप्स का भी ऑप्शन है, तो आप लो लाइट जो हाइपरलैप्स है वो भी आप शूट कर सकते हैं। स्लो मोशन भी दिया हुआ है जो कि 720p 120fps में शूट करता है, क्वालिटी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है पर ठीक है। ये फ्रंट कैमरा का वीडियो टेस्ट है और हम लोग 1080p 30fps सेटिंग रख सकते हैं, कोई 4K वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, 60fps नहीं है। और ये अगेंस्ट द लाइट है और ये लाइट के साथ है, तो मेरे ख्याल से भाई क्वालिटी काफ़ी अच्छा है फ्रंट कैमरा का, इस हिसाब से देखें बजट के हिसाब से देखें तो। आप माइक का जो सोर्स है वो M32 ही है और मेरे ख्याल से थोड़ा हम बोल रहे हैं तो थोड़ा लिप सिंक लेट से दिखा रहा है इसमें, तो थोड़ा सा वहाँ पे ऑकवर्ड लग सकता है। वैसे ठीक है ओवरऑल फ्रंट कैमरा का वीडियो क्वालिटी। इसके साथ साथ पैनोरामा मोड, एआर डूडल मोड और फूड मोड दिया हुआ है, तो वो सब तो खैर ज़्यादा कोई यूज़ करता नहीं है। तो ओवरऑल हम यही बोलेंगे कि डेफिनेटली ये फ़ोन गर्दा उड़ाएगा इस रेंज में, काफ़ी अच्छा फ़ोन है अगर कैमरा के मामले में हम देखेंगे तो। थोड़ा प्रोसेसर अच्छा हो सकता था, बाद बाकी सारा कुछ इसमें बहुत ही परफेक्ट है, मतलब आप उसको आराम से चूज़ कर सकते हो अगर आपको फोटोग्राफी वगैरह पसंद है तो। लो बजट फ़ोन आपको रखना है जिसका बैटरी वगैरह अच्छा चले तो उसके लिए आपको काफ़ी अच्छा है। वैसे गर्दा उड़ाएगा तो आप भी गर्दा उड़ाते हुए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 93% लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो आते हैं वीडियोस देखते हैं और चले जाते हैं, तो भाई करते हुए जाइए और अच्छा रहेगा। आगे भी काफ़ी सारा ऐसा कैमरा रिव्यूज़ आ रहा है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, हमारा इंस्टाग्राम चैनल है सौरभ अनुराज के नाम से, उसको फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट में करके कुछ क्वेश्चंस वगैरह क्वेरीज वगैरह तो पूछ सकते हैं। वैसे आज हमेशा की तरह श्रींजल थी हम लोग के साथ, तो थैंक यू सो मच श्रींजल और प्रिंस वीडियो में हेल्प करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप भी सेफ रहिए और गर्दा उड़ाते रहिए।